ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच थाउजेंड ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा के अंदर। तोबा। पिछले चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से ये गद्दारी करबे ओरियो यहाँ पर आ जाता है और किस तरह से युहाबाहा योरुइची को रॉयल पैलेस से नीचे फेंक देता है। दूसरी साइड पे हेड कैप्टन सुनसियो और आइजन के बीच में बातचीत हो रही होती है। उराहरा की साइड पर एकदम से कैप्टन कुरोसुची आते हैं और उन्हें अपना स्पिरिचुअल प्रेशर एम्पलीफायर देते हैं जिससे कि वो गेट बना लेते हैं। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर होने वाले झटकों के कारण शायद से ये जादू का लावारिस बच्चा नीचे गिर जाता है और इसी के साथ क्विंसी किंग के सामने ओरियो आकर खड़ा हो जाता है। ये तीनों लोग अपने दोस्त को देख के यहाँ पर हैरान होते हैं। ओरियो इन सभी को कहता है कि जहाँ पर हो वहीं के वहीं खड़े रहना सभी लोग। अगर तुम में से किसी ने भी अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे शूट कर दूंगा। फटाक से इचिगो आगे बढ़ता है ओरियो की साइड। ओरियो उसके ऊपर शूट कर देता है और कहता है कि मैंने तो कहा था। यहाँ पर इचिगो चिल्ला कर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ओरियो कहता है कि मैंने सुना तुम यहाँ पर मेजिस्टी को रोकने आए हो, है ना, और मैं ये नहीं करने देने वाला। इचिगो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, सारे के सारे वर्ल्ड। ओरियो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं ये सब बिना जाने यहाँ पर खड़ा हूँ। इचिगो कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं और क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों तुम उन लोगों की साइड पर क्यों हो। ओरियो कहता है क्या तुम इतना भी नहीं पता कर सकते क्योंकि मैं एक क्विंसी हूँ। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं एंट्री होती है गेराड, स्टर्नेटर डी, स्टर्नेटर एक्स और जादू के लावारिस बच्चे की। ये चारों मिलकर इन तीन बिचारों को घेर लेते हैं। इन चारों में से एक कहता है कि ये सब क्या है, मैंने तो सुना था मेजिस्टी को अगर कोई रोकने आया है तो वो कोई ना कोई बड़ी आर्मी होगी, लेकिन ये लोग तो किसी कचरे के ढेर के बराबर है हटाने लायक। ओरियो इन सभी को कहता है कि तुम्हारी दखलअंदाजी कोई खास जरूरी नहीं थी। इतना कहकर ये इचिगो के ऊपर वापस से एरो बरसा देता है जिससे कि इचिगो यहाँ पर नीचे गिरने लग जाता है। ओरियो कहता है कि ऐसे लोगों को तो बस नीचे ही फेंक देना चाहिए। गाइस हम देखते हैं जैसे इचिगो यहाँ से पहले ही नीचे गिर रहा होता है इसके ऊपर से स्टर्नेटर एक्स उसके ऊपर अपनी गन से भी फायर कर देता है। इसी के साथ स्टर्नेटर एक्स ओरियो से कहता है कि मुझे पता है तुम अब क्या कहने वाले हो, प्रोबेबली अब वो यहाँ से गिरना सर्वाइव नहीं करने वाला, और अगर उसने कर भी लिया तो उसके लिए यहाँ पर वापिस आने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे गिरने से पहले ही खत्म कर देते हो तो तुम्हें इस तरीके के अंदाजे लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरियो कहता है हाँ बिल्कुल, इसी तरीके की चीजें तो मेजिस्टी को बेनिफिट करती है, उन्हें फायदा पहुँचाती है। और इसी के साथ गाइस हम सुनते हैं गेराड यहाँ पर दांत फाड़ फाड़ कर हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा कहा न्यू कमर, तुम्हें तो मेरी तरफ से हाँ है मंजूरी है। गाइस ये यहाँ पर किसको कहता है, ओरियो को कह रहा है या फिर एक्स को कह रहा है मुझे नहीं पता। गाइस ये शायद से यहाँ पर ओरियो को ही कह रहा है। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं सोल किंग के पास से अजीब अजीब आवाजें आती है। क्विंसी किंग कहता है सोल पार्टिकल के सीधे हाथ, क्या तुम मुझे निगलना चाहते हो तुम्हारे बच्चे को। इसी के साथ हम देखते हैं क्विंसी किंग सोल किंग के राइट हैंड को यहाँ पर गाइस तोड़ देता है, ब्लास्ट कर देता है, फोड़ देता है। मतलब क्विंसी किंग कहता है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारी और मेरी पावर्स के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है, मैं अब तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। राइट आर्म, अब मैं तुम्हारी पावर्स को ले लूंगा खुद के लिए। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं जैसे ही क्विंसी किंग राइट आर्म की पावर्स ले लेता है यहाँ पर वर्ल्ड सभी के सभी वापस से कांपना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग यही बात को नोटिस करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्विंसी किंग कहता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, अब जो कुछ भी सोल किंग से बिलोंग करता है सब कुछ मैं ले लूंगा और सेरेटे को सील कर दूंगा हमेशा के लिए। अब मैं सोल किंग को ही ले लेता हूं और उन्हें निगलता रहूंगा जब तक कि मैं पूरी तरीके से उन्हें कंज्यूम नहीं कर लेता, तो इससे शायद कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं क्विंसी किंग अपनी उंगली से एक
पावर को यहाँ पर नीचे सेरेटे की ओर भेज देता है। वो पावर डायरेक्ट कैप्टन उकीटाके को जाकर लगती है, क्योंकि गाइस वही कनेक्ट होते हैं सोल किंग के सीधे हाथ से। इससे कैप्टन उकीटाके यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और उनकी हालत खराब होने लग जाती है। कैप्टन उकीटाके का लेफ्टिनेंट उन्हें पकड़ कर कैप्टन कैप्टन चिल्लाने लग जाता है और यहाँ पर उराहरा कहते हैं, ये है क्या, स्पिरिट किंग का हाथ गायब होने लग गया है। नहीं, ऐसा लगता है कि ये किसी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इसी के साथ गाइस हम वापस ऊपर का सीन देखते हैं, जहां पर क्विंसी किंग लड़खड़ाकर नीचे बैठ जाता है। एक्स कहता है, मेजिस्टी आप ठीक तो है ना। गाइस हम देखते हैं जो क्विंसी किंग का क्लॉक पहले मेहरून कलर का था, अब वो काला पड़ गया है। गाइस इसी के साथ हम देखते हैं क्विंसी किंग के अंदर से ब्लैक ब्लैक सी कुछ अजीब अजीब चीजें आने लगती है, जिनकी एक एक आंखें होती है और गाइस ये बच्चे जैसी होती है। मतलब एक तरफ से ये बच्चे जैसी चीजें कहती है, ची 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 ची। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा। और इनकी आबादी लगातार बढ़ने लग जाती। ये चीजें एक्स के पास से जाती है, इसलिए एक्स कहता है, ये क्या बवासीर है। हैशवोल्ट कहता है कि अपने आप को शांत करो, ये स्पिरिट किंग की पावर्स का एक फ्लूड है। गाइस फ्लूड का मतलब होता है पानी यानी लिक्विड, और ये एक सील के कारण यहाँ पर रिलीज हो रहे है, एक ऐसी सील जो कि सोल रिपर्स ने लगाई हुई थी। मेजिस्टी की बॉडी के अंदर सोल किंग की पावर्स बिना संभले बह रही है। ये जो चीजें हैं इनमें से कोई भी तुम्हें हार्म यानी चोट नहीं पहुंचाएगी। सोल किंग के लिए जो उनके दुश्मन है वो है सोल रीपर्स। और गाइस सोल रीपर्स सोल किंग के दुश्मन कैसे हुए, क्यों हुए, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अपन अंदाजा लगा सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि सोल किंग के ऊपर सोल रीपर्स ने सील लगाई, इसके कारण सोल किंग नाराज है, गुस्सा है। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं जो ये काले कलर की चीजें होती है यहाँ से रॉयल पैलेस से नीचे जाने लगती। नीचे साइड सुहे कहता है कि ये बहुत ज्यादा काला है, ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है, आखिरकार हुआ क्या। सोइफोन कहती है कि पता नहीं और मुझे कोई चिंता भी नहीं है, ये पक्का जरूर क्विंसीज कर रहे होंगे। ध्यान से देखो, वहाँ पर साकोन माकू का कोई हिस्सा गायब लग रहा है। गाइस साकोन माकू उसी चीज को बोलते है जो कि बैरियर लगा है सोल सोसाइटी और रॉयल पैलेस के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे कि सेरेवोल्स आपस में टकरा गई, जिससे कि वहाँ पर होल क्रिएट हो गया। पहले सोल किंग के राइट हैंड ने इसका इस्तेमाल किया था रॉयल पैलेस जाने के लिए, लेकिन जैसे सिचुएशन अभी है ये एनिमीज के लिए एक मौका है निशाना लगाने के लिए। ओमाइडा चिल्लाता है, कैप्टन आप कहाँ जा रहे हो। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं कैप्टन सोइफोन यहाँ पर अपनी बांकाई को एक्टिवेट कर लेती है इस चीज को उड़ाने के लिए। लेकिन गाइस इतने में ही हम देखते हैं ये काली चीजें यहाँ पर नीचे तक पहुँच जाती है और सोइफोन को आसपास घेर लेती है। सोइफोन इन्हें अपने आसपास से झटकने की कोशिश करती है और ओमाइडा भी यहाँ पर सोइफोन की मदद करने लगता है। ओमाइडा कहता है, कैप्टन आप ठीक तो है। सोइफोन उसके नाक पर पंच करती है और कहती है, बकवास बंद करो और तेजी से मूव करो। सुहे कहता है, अगर ये चीजें लैब के अंदर पहुंच गई तो ये सब कुछ ही खत्म कर देंगे। इतना कह के गाइस ये तीनों लोग यहाँ पर अपनी अपनी जान पाक्टों को एक्टिवेट कर देते हैं और इन सभी काली चीजों से लड़ने लगते हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, वन पंच मैन का यहाँ पर कैमियो है, जादू। कैप्टन ब्याकुया भी सेनबोन जाकुरा का यूज करते हुए बहुत सारी इन काली चीजों को ठिकाने लगा देते हैं। ये काली चीजें मिलकर कैप्टन ब्याकुया से कहते हैं, चीची चीची। इकाकू कहता है कि ये चीजें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुहे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम उस कैनोपी को कैसे खत्म करेंगे। गाइस कैनोपी मतलब वही जगह जहाँ से ये सब निकल निकल कर अंदर आ रहे हैं। और इसी के साथ भाई लोगों यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है। वो बंदा कहता है, कितना ज्यादा हंसने लायक है, तुम लोग अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो इन थोड़े बहुतों को खत्म करने के लिए। और ये आवाज सुन के इन सभी के सभी लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। रुकिया कहती है, इम्पॉसिबल। वो आवाज दोबारा से आती है और कहती है कि तुम सिंपली इन्हें एक बार में ही क्रश कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं ये आवाज होती है अल्टीमेट चैट, अल्टीमेट गीगा चैट, रिस गॉड एटीट्यूड किंग। सारे के सारे बेडेस लोगों का एकमात्र डैड ये है सोस्के आइजन।
आइजन आते के साथ से इन लोगों से कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से इन सभी को एक बार में ही खत्म कर सकते हो। और इसी के साथ भाई लोगों, आप लोगों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी एक प्यारी सी कमेंट छोड़ना है, क्योंकि ये है इस वाले चैप्टर का एंड। गाइज, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा चैप्टर क्यों, लेकिन गाइज इस चीज का फायदा है, अब मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊंगा शायद तक। और गाइज, मेरे को ये वीडियोस लगातार डालकर कंसिस्टेंट भी रहना होगा अपनी रीच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गाइज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था, वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो चैनल यार डाउन पड़ गया है। मतलब कि यार अभी शुरुआत भी नहीं मेरे चैनल की, पर फिर भी थोड़ा सा डाउन पड़ गया है। इसी के साथ गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।